अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, कनाडा के शहर टोरंटो से आपकी खिदमत में जुनेद बहादुर खान हाजिर है मेपल टीवी के प्लेटफॉर्म से। ख्वातीन व हज़रात, किसी भी मुआशरे में, किसी भी सोसाइटी में औरत का किरदार इंतहाई अहमियत रखता है। इस्लामी तहजीब की अगर मिसाल ले लीजिए तो एक वसी तादाद में हदीसें और रवायतें हज़रत आयशा से रवायत हैं। मुसलमानों ने, बड़े सगीर ने भी अपनी जदोजहद में हज़रत फ़ातिमा और ऐसी कई ख्वातीन की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। मुआशरा औरत की गोद में परवान चढ़ता है। हमारी ख्वातीन हमारी सोसाइटी के अंदर क्या किरदार अदा कर रही हैं, ये बात जानने के लिए मैं मौजूद हूँ टोरंटो में आज एक इंतहाई अहम शख्सियत के साथ। आप मुसव्विर भी हैं, आप शायर भी हैं, आप आर्किटेक्ट भी हैं, आप नेचर की जितनी भी खूबसूरतियाँ हैं उनको समोती हैं, अल्फाजों में भी परोती हैं और तस्वीर कशी भी करती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं परवीन सुल्ताना साहब। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो खूबसूरतियाँ इस माशरे की नोट करती हैं और उन्हें दर्ज करती हैं, इस माशरे की बदसूरतियों के बारे में इनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं परवीन आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। परवीन, बात यहाँ से शुरू करते हैं हम। मुसव्विर, शायर किसी भी माशरे में या फनकार किसी भी माशरे में अहमियत क्यों रखते हैं? यूँ तो माशरे में हर कोई अहमियत रखता है। एवरेज सिंगल पर्सन, कोई भी बच्चा बचपन से लेके और अपने आखिरी उम्र तक, वो अपने माशरे में बहुत अहम होता है। और क्योंकि फ़र्द से ही मिलके अफराद बनते हैं और अफराद से मिलके माशरा बनता है। और ख़ास तौर पे जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो इसलिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं कि वो, उनकी क्रिएटिविटी जो है वो कुछ दूसरे लोगों को इंस्पायर भी करती है। और अगर हम शायर की बात करते हैं जैसे, तो शायरी का सिलसिला ऐसा है कि शायर जो है वो ना सिर्फ अपने जज्बात, वो बल्कि माशरे के जो रवैये हैं उन पे भी लिखता है, अपने जज्बात को भी लिखता है, और जो मुशाहदात करता है, जो उसकी ज़िंदगी के मुशाहदात होते हैं वो उनको भी लिखता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के जब वो दूसरे लोग उसको सुनते हैं और शायरी जो है वो ज़ाहिर है। परवीन सुल्ताना साहिबा, कहा यह जाता है कि शायरी जज्बात की ज़बान होती है। आप मुसव्विर भी हैं और शायरा भी हैं, जज्बात इतने ज़्यादा आप में, क्या कोई बचपन में दुख पहुँचा था आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जज्बात, जहाँ तक शायरी की बात है, शायर होना जो है इसके लिए किसी को दुख पहुँचना या कोई खुशी पहुँचना बहुत ज़रूरी नहीं है। शायरी जो है, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पर कि शायर जो है वो बिल्टन होता है। वो उस, कोई भी दुनिया की यूनिवर्सिटी, कोई इदारा, कोई मदरसा जो है वो आपको शायर नहीं बना सकता। मगर कहा जाता है कि माशरे के दुख और दर्द और जवानी की तकालीफ, शायद मोहब्बत में नाकामी, लोगों को शायर बना लेती है, क्या ये बात दुरुस्त है? वो उसमें एक ख़ास जहत तो ज़रूर पैदा कर सकती है कि उस ख़ास जहत में वो कोई भी शायर जो है वो ज़रा आगे तक निकल जाए, वो उस किसी ख़ास तकलीफ़ की वजह से उसका एक रुझान जो है वो उसी तरफ लिखने को चला जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई तकलीफ़ पहुंचना ज़रूरी है या कोई बहुत बड़ी खुशी मिलना ज़रूरी है। आम इंसान भी शायर हो सकता है मेरे जैसा। कहा जी जाता है कि जो शायर होते हैं वो मोहब्बत में यकता परस्त नहीं होते, उनको अक्सर मोहब्बत हो जाती है, क्या ये बात दुरुस्त है? जहाँ तक मोहब्बत की बात है तो मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है जिसके के बहुत जहते हैं। माँ की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, भाई की मोहब्बत है, बहन की मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत है, पड़ोसी की मोहब्बत है, दोस्त की मोहब्बत है। तो मोहब्बत को आप कोई कैद तो कर नहीं सकते। तो मशर की मोहब्बत की बात, और आप अगर सुनी महिवाल, सस्सी पुन्नू, हीर रांझा वाली मोहब्बत, अगर आप उस मोहब्बत की बात कर रहे हैं जिनमें कि या तो शादियाँ हो जाती हैं या शादियाँ नहीं हो पाती, तो वो मोहब्बतें जो हैं वो परवान चढ़ती हैं हमारे, खुसूसन हमारे यहाँ जैसे हमारा जो माशरा है मशरक़ी माशरा, वहाँ बहुत ज़्यादा परवान चढ़ती हैं। और लेकिन ज़्यादातर अगर आप जितने भी हमारे लोक कहानियाँ हैं, जो फोक्स हैं, उन पर जब आप स्टडी करते हैं तो उनमें से कोई भी कामयाब नहीं है, मतलब कामयाब सेंस में नहीं है। वो मोहब्बतें ज़िंदा हैं लेकिन उनका मिलाप कभी मगर नहीं। अगर आप कामयाबी मोहब्बत की शादी को कहती हैं तो शायद वो बस वो लोगों का आजकल जो थिंकिंग है वो यही है कि अगर वो मिल गए हैं तो शायद कामयाब हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो मोहब्बतें कामयाब उस लिहाज से हैं कि वो ज़िंदा हैं, आज भी वो ज़िंदा हैं। लेकिन और आप जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ये मोहब्बत
आपने कहा कि कई लोगों से हो सकती है, ये मोहब्बत मैं नहीं समझती कि कई लोगों से या तो एक वक्त में हो सकती है, या ये ज़रूर है कि हर इंसान जो है उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो किसी एक शख्स की कोई अदा आपको अच्छी लगती है, किसी दूसरे शख्स की कोई और चीज़ अच्छी लगती है। कि इंसानी नफ्सियात को इस्तेकाम बख्शने के लिए भी मोहब्बत एक लाजमी जुज़ समझा जाता है। ये हमारा माशरा जो नफ्सियाती तौर पे डैमेज हो रहा है, क्या हमारे दरमियान में मोहब्बत ख़त्म हो रही है? मोहब्बत ख़त्म नहीं हो रही है, बात सारी ये कि हमारे घर में, हमारे घरों में हमारे जो तरबियत का अंदाज है वो बदल गया है। और तरबियत सिर्फ ये नहीं कि हमारे यहाँ, और सच्ची बात यह कि हमारे यहाँ मोहब्बत जो है वो जताई नहीं जाती। जो ख़राबी हमारे माशरे की है कि हम मोहब्बत जताते नहीं। एक्सप्रेशन का मसला है, एक्सप्रेशन का मसला है। हम दर्जन भर लोगों के यहाँ, मतलब शादियाँ जब होती हैं, जाहिर है हस्बैंड वाइफ मोहब्बत करते हैं, बच्चे हैं उनके, कई कई बच्चे हैं, लेकिन वो कभी एक दूसरे को ये नहीं कहते कि मुझे तुमसे मोहब्बत, ज़बान से नहीं कहेंगे, इजहार नहीं करते। और मतलब जो भी चीज़ आप वो एक रूटीन के तौर पे तो हर चीज़ उनके लिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे के लिए। अगर हस्बैंड वाइफ की बात की जाए, वाइफ जो है उसके लिए खाना भी पका रही है, उसके कपड़े भी धो रही है, उसकी इस्त्री भी कर रही है, सब चीज़ कर रही है, लेकिन वो ये नहीं कहती कि देखो तुमसे मोहब्बत है इसलिए मैंने तुम्हारा आज ये किया है। और हस्बैंड जो है वो उसके लिए जेवर भी लाता है, वो फलां शादी में जाना है, ये पहनना है तो इसलिए लाया है, वो ये नहीं कहता कि क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है इसलिए मैं लाया हूँ। तो ये चीज़ें जो हमें थोड़ी सी देखनी चाहिए। जो मशरकी मोहब्बत है उसमें हया एक बड़ा अहम किरदार अदा करती थी किसी ज़माने में, जिसकी वजह से शायद एक्सप्रेशन का मसला भी आता था। बेशक जब आप मगरब में रहती हैं, यहाँ आपकी एक सोशल लाइफ भी है, ख्वातीन के लिए बहुत काम भी करती हैं, आप मुझे बताइए कि मगरबी मोहब्बत को मशरकी मोहब्बत के साथ अगर मुवाजना करवाया जाए तो आप इसके ऊपर क्या राय देती हैं? मोहब्बत का मुवाजना तो करना गलत बात है, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। प्रवीण सुल्ताना साहिबा, ये कहा जाता है कि मगरब ने मोहब्बत के डायनमिक्स, मोहब्बत के डायमेंशंस और स्केल्स मुकम्मल तौर पर बदल दिए हैं। यहाँ इंसानी ज़रूरतें जो होती हैं, जो हम कहते हैं कि जिनसी ज़रूरियात को मोहब्बत का नाम दे दिया गया है। हमारे यहाँ तो पूरी ज़िंदगी नहीं मिलते थे और पंखड़ी गुलाब जैसे ऊँटों के ऊपर शेर लिखा करते थे, ये मोहब्बत मुख्तलिफ़ नज़र नहीं आती आप? हाँ, उस लिहाज से इसलिए मुख्तलिफ है, लेकिन ये उसको फिर आप मोहब्बत का नाम नहीं दे सकते। जिस आप ये जब इस ताल्लुक़ पे आ जाते हैं कि जिनसी ताल्लुक़ की जैसे आपने बात की, तो उस वो तो फिर मोहब्बत ना हुई ना, वो तो एक ज़रूरत हो गई। और ज़रूरत और मोहब्बत दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन जो ये जिस्मानी ज़रूरियात और इस कस्म की ज़रूरत हैं उनके लिए आप, ज़रूरी नहीं कि आप उस लेवल पर जाइए। वो ऐसी भी मोहब्बतों की हमारे यहाँ जो लोग दास्तानें हैं वो तो कभी नहीं मिले और उनकी मोहब्बतें ज़िंदा हैं, और यहाँ रोज़ मिलते हैं और रोज़ बदल जाते हैं। तो ये इस कस्म की जो मोहब्बत है उसको मोहब्बत का नाम तो देना गुनाह है मेरे ख्याल में। उसको मोहब्बत इसमें शायद वक्त के साथ साथ भी चीज़ों में बदलाव आता जा रहा है। जूलियस सीज़र की मोहब्बत भी तो यहीं की थी, मगर आज तो मादियत का दौर यहाँ ही नहीं वहाँ पर भी है। मगर एक बात मुझे बताइए कि हम मगरब के अंदर जो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी ख्वातीन हैं, हमारी जो औरतें हैं, क्या वो इस सोसाइटी में रहते हुए अपनी वो मोहब्बत की रवायात को बरकरार रखे हुए हैं? जो वो एक हमारे यहाँ होता था कि एक बीवी शोहर के साथ एक ख़ास तौर से मोहब्बत करती थी, वो जो हम लिखते थे एक दूसरे के लिए, खतूत होते थे, क्या वो मोहब्बत अब कहीं ना कहीं नज़र आती है आपकी सोसाइटी में? अगर मगरबी दुनिया में रह रहे हैं आप, तो यहाँ के जो माशरे का जो रख रखाव है और माशरे के रहने का जो तरीका है माशरे में, वो हमारे अपने मुल्कों से, हमारे पाकिस्तान, इंडिया या बर सग़ीर को मैं कहूँ कि पूरे बर सग़ीर से मुख्तलिफ है। यहाँ जो है लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मैकेनिकल है। औरत और मर्द जो है वो बराबर से काम कर रहे होते हैं। औरत मर्द के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो, हमारे यहाँ की जो औरतें जो अभी मैं पाकिस्तान से होकर आई हूँ कुछ दिन पहले, तो वहाँ हमारे यहाँ की औरतें माशाल्लाह जिस ऐश से रहती हैं, मैं माज़रत चाहूँगी हमारी सब औरतें नहीं, लेकिन एक ख़ास तबका है मिडिल, अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास का, वो औरतें जो हैं जिनके घरों में चार चार नौकर हैं, तो वो तो इतने मज़े से रहती हैं। यहाँ पे मैं खुद
मैंने इतना काम किया है कि मैंने ज़िंदगी भर में कभी इतना काम नहीं किया था, तो ये फ़र्क है दोनों माशरों का। तो फिर उसी हिसाब से यहाँ के जिस बात को आप औरत मर्द के ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं, तो वो मैं उसको मोहब्बत का नाम नहीं देती, फिर मैं वो एक उनका ताल्लुक़ है ये कि यहाँ उसको डिफरेंटली सोचा जाता है, क्योंकि वो उनके पास टाइम ही नहीं है, उनकी टाइम शॉर्टेज है उनके पास काम इतने ज़्यादा हैं कि उनके पास उन चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं है। परवीन सुल्ताना साहिबा, ये जो आज हमारा ख़ानदानी निज़ाम तबाह होता जा रहा है मग़रब में भी और मशरक़ में भी, बेशक इस ख़ानदानी निज़ाम की तबाही के बुनियादी असबाब में क्या एक सबब ये नहीं है कि हमने ये आई मोहब्बत शुरू कर दी आईफोन के ज़रिए या हमने ये जो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस का एक रिश्ता उस्तवार कर रखा है, क्या ये हमारी ख़ानदानी निज़ाम की तबाही का? बेशक ये है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ जब मैं शुरू आई हूँ तो वह एक जो जुमला मैं सुन के और बहुत तकलीफ दे लगता था मुझे कि इट्स माय लाइफ, इट्स माय लाइफ। छोटे से बच्चे को जब ये सिखा दिया जाता है कि इट्स माय लाइफ एंड आई कैन डू व्हाट एवर आई वांट टू डू, कि मैं ये मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वहाँ पे ठीक है आपके राइट्स हैं, आप इस माशरे में हो या उस माशरे में हो, आपके अपने राइट्स हैं, आपके हकूक़ हैं, और उन हकूक की पासदारी जो है ख़ानदान को भी करनी चाहिए, माशरे को भी करनी चाहिए और हुकूमत को भी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ जब इस माशरे में आ जाते हैं, मगरबी माशरे में आ जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़े है कि इट्स माई लाइफ एंड आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। उस बात से जब वो सेल्फिशनेस आपके अंदर डेवलप हो जाती है, तो फिर आप किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हैं, सिर्फ अपना देखते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, किसी और के बारे में सोचते ही नहीं। मगर ये जो हमने सोचा हुआ है, बल्कि हम कहते हैं बहुत ज़्यादा कि मगरब ने औरत को आज़ादी दे रखी है और मशरक में औरतों को आज़ादी नहीं है, क्या ये बात दुरुस्त है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? ये एक हद तक तो दुरुस्त इसलिए है कि हुआ यह है कि मगरब की औरत जो है वो बराबर से पढ़ाई करती है, बराबर से काम करती है, लेकिन आप अगर तारीख को 100-200 साल पीछे ले जाइए तो आप देखेंगे कि मगरब की औरत ने भी वहीं से शुरू किया था। वो पहले ढक के वो भी स्कार्फ भी पहनती थी और वो चर्च भी जाती थी और वो मस्जिद भी जाती थी जो मुस्लिम थी, और उसी तरह वो रहती थी और करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तालीम आम होती गई और औरत को शऊर आता गया, औरत ने काम सीखना शुरू किए, मर्दों के बराबर से काम करना शुरू किया। क्योंकि अंदाज़ा ये हुआ है कि जब आपको ये पता चल जाए कि आप एक कारामत शह हैं, कारामत इंसान हैं, शह तो नहीं कहना चाहिए, और जो कि हमारे माशरे में तो शह ही समझा जाता है वैसे औरत को, लेकिन यहाँ जब ये तय पा गया कि औरत जो है वो चीज़ नहीं है, वो इंसान है। मगर शायद इसके डायनमिक्स बदले होंगे, डायमेंशन बदले होंगे, दोबारा कहता हूँ, मगर मगरब ने भी तो औरत को चीज़ ही बना रखा है। यहाँ जैसे कि सिंगल मदर लाइफ होती है, इंतहाई टफ ज़िंदगी गुजरती है, यहाँ भी मर्द सिर्फ बच्चे पैदा करवाता है और भाग जाता है। सिर्फ मशरक में इतना है कि ख़ानदानी निज़ाम की वजह से हम वो रिश्ते जो हम कायम नहीं करना चाहते हम उनमें भी जकड़े होते हैं। वो उसकी वजह यही है कि यहाँ जब औरत, वही बात आती है कि इट्स माई लाइफ, वो जब बचपन से वो ये देखती आती है कि दिस इज़ माई लाइफ, अब वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो जब बचपन से ये सीख रहे होते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी है और उसके साथ मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो लड़कियाँ बाज़ दफ़ा 14-15 साल की होती हैं और प्रेगनेंट भी हो जाती हैं और बच्चे भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो लड़के जो हैं वो क्योंकि उनको भी ये होता है कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, वो किसी और के साथ चले जाते हैं या उनको छोड़ जाते हैं, जो भी है, डिफरेंट केसेस होते हैं यहाँ पर। और फिर ये होता है कि वो इसलिए वो टफ लाइफ गुजारती हैं, उसमें मजबूरी ये आगे आ जाती है कि अगर वो 14-15 साल की लड़की या 16 साल की लड़की या 18 साल की लड़की प्रेगनेंट हो गई, बच्चा हो गया, तो उस वो क्योंकि माँ बन गई है, माँ एक ऐसी चीज़ है कि वो औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है, तो वो उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो उस बच्चे को पालती है और उसको परवान चढ़ाती है, वो चाहे जिस तरह से भी करे और टफ लाइफ गुजारे। अगर मैं आपकी बात को समझूं तो यूं समझूंगा कि आप चाहती हैं कि औरत आज़ाद हो मगरब की तरह,
मगर उसको तहजीबी एतबार से आप मशरक के सांचे में डालना चाहती हैं। बेशक। मगर एक बात मुझे ये बताइए कि क्या हमारी वो ख्वातीन जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से यहाँ के कनाडा में आबाद हैं वो अपनी तहजीब की तर्जुमानी कर रही हैं? क्या हम अपनी नई नस्ल को अपनी तहजीब से रोशनास करवा रहे हैं? बहुत हद तक कुछ ख़ानदान ऐसे अभी भी मौजूद हैं जिनके घरों में वो तहजीब मौजूद है और उसी तरह से निज़ाम चल रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है, मिलके रहते हैं, बड़ों का ख्याल रखा जाता है और ये सब चीज़ें अभी हैं कुछ घरों में। लेकिन अगर आप देखें कि ज़्यादातर तो ज़्यादातर सॉरी टू से कि ऐसा नहीं है। हमारे लोग जो हैं वो आके यहाँ पर थोड़े से तब्दील हुए हैं और उसमें दो तीन चीज़ें हैं। कुछ बच्चों के ऊपर ये होता है कि वो पीयर प्रेशर होता है स्कूलों में जब वो जाते हैं, ख़ासतौर पे अगर उस पर आए कि वो कैसे ड्रेसिंग करते हैं, लड़कियां हो या लड़के जो भी, कैसा वो पहन रहे हैं, क्या वो कैसे घर से निकलते हैं, कैसे घर में आते हैं, बहन भाइयों से या माँ बाप से कैसे बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कुछ अपने वो अतराफ़ से सीख रहे होते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद मैं जो समझती हूँ कि घर से सबसे जो अहम बात है वो घर में माँ या बाप जो भी हैं उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर उन्होंने मॉरल वैल्यूज़ दी हैं बच्चों को, मॉरल वैल्यूज़ देने के लिए ज़रूरी है कि उनको वही करके वो दिखाएं। और अगर माँ बाप मॉरल वैल्यूज़ से छोड़ देते हैं, यूं नहीं लगता कि हमारी जो ख्वातीन यहाँ पर हैं बैरूनी ममालिक में वो दो से भी कभी कभी ज़्यादा कश्तियों की सवार होती हैं? बेशक। वो फिज़िकली यहाँ रहती हैं, मेंटली पाकिस्तान में होती हैं, तहजीब अरबों की अपना रखी है और इसके दरमियान में जो कन्फ्यूजन में औलाद परवान चल रही है वो ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है। बेशक। हम नाबालिग से तहजीब के नौजवान बनते जा रहे हैं। ये दुरुस्त है कि वो बच्चे फिर वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम करें क्या, क्योंकि एक तरफ तो माँ चाहती है कि वो कुरान पढ़ें और वक्त पे नमाज़ पढ़ें, दूसरी तरफ माँ ये भी चाहती है कि वो जो क्लास में सबसे अव्वल आएँ और वो ड्रामे में भी सबसे आगे जाए और बच्चा जो है वो डिबेट में भी सबसे आगे जाए और बाकी प्रोग्रामों में भी स्पोर्ट्स में भी आगे जाए। तो उससे बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार मैं ये करूं कि ये करूं। लेकिन आखिर हमारे माशरे में भी वहाँ भी सब चीज़ें, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं हम लोग खुद भी रहे हैं, हमने स्पोर्ट्स में भी हमने खेला भी है, हमने ड्रामा भी किया है, हमने पढ़ाई भी की है और शुक्र है मालिक का कभी अब पीछे नहीं रहे। एज अ शायरा और मुसव्वर मुझे ये बताइए, कहा यह जाता है कि तहजीब में शायर मुसव्वर अगर ना हो या कम होना शुरू हो जाए तो वो तहजीब यतीम हो जाती है। बेशक। हमारी तहजीब यूँ लगता है जैसे कि हम बैरूनी ममालिक में ख़ास तौर में बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी हैं, हमारे अंदर वो लोग नहीं हैं एहसास तबीयत ज़्यादा जो हमारे बारे में लिखें, हमारे बारे में शायरी करें और हमारी ये जो तहजीब की यतीमी की सूरत हाल है इसे निकालने की कोशिश करें। क्या इसके अंदर हमारी औरतों को किरदार अदा नहीं करना चाहिए? सिर्फ औरतों को आप ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसमें औरत मर्द बराबर का किरदार अदा करते हैं। माशरा जो है वो औरत मर्द दोनों से मिल के बनता है और जहाँ तक फिर बात वही आती है कि घर से शुरू करना पड़ेगा, घर से शुरू करना पड़ेगा कि जब बच्चा है छोटा सा तो उसकी तरबियत कैसे करनी है। उसकी तरबियत के लिए सबसे पहले आपको ख़ुद वो बन के दिखाना होगा जो आप बच्चे को बनाना चाहते हैं। और मैंने देखा है यहाँ पे बहुत बाज़ इतने माशाल्लाह ऐसे ऐसे ख़ानदान भी हैं, हिमायत अली शायर यहाँ रहते हैं, उनके माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चे हैं और उनके जो पोता पोती नवासा नवासी हैं उनके घरों में माशाल्लाह से वही तहजीब है, कंबाइन उसमें रह भी रहे हैं। हाँ, हिमायत भाई खुद अपने सबसे छोटे बेटे के साथ रहते हैं, जबकि वो बेटा जो है वो ये नहीं कहता कि वो मेरे साथ रहते हैं, वो हमेशा लिख के देता है कि मैं अब्बू के साथ रहता हूँ। तो ये है तहजीब, ये है हमारा माशरा जिसको के होना चाहिए कि बड़े को हमेशा उसका मान दिया जाए, उसकी जगह दी जाए। हमने लोगों को उनकी जगह से हटा दिया है। अगर मैं मुशाहदे से अपने मुशाहदे की रोशनी में आपको बताऊँ तो बैरूनी ममालिक में ख़ास तौर पे कनाडा में हमारी दो तरह की ख़वातीन होती हैं जी। एक वो जो घरों में सिर्फ बैठ के वजीफे करती हैं जी, और दूसरी वो ख़वातीन जिनके मियाँ तो बाहर काम करते हैं मगर वो स्टार प्लस के ड्रामों से महजूज होती हैं। दोनों एतबार से तहजीब को किसी तरीके से मदद नहीं मिल रही है। हमारी ख़वातीन में ये बताइए कि प्रोफेशनलिज्म की कमी क्यों है? हमारी ख़वातीन प्रोफेशनली यहाँ के एजुकेशन हासिल करके इस सोसाइटी के बेहतर ख़वातीन क्यों नहीं बनती?
उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जब हम यहाँ हमारे माशरे से जब ख़वातीन यहाँ आती हैं, ख़वातीन हो या हज़रात हो, दोनों की बात करूँगी मैं, कि उनको वो कुछ भी वहाँ से पढ़ के आए हैं स्पेशली कनाडा के लिए, उनको जो कुछ उन्होंने वहाँ पढ़ा है, मैं अपना भी बताऊँ कि मुझे यहाँ आके कोई भी चीज़ मैंने वहाँ पढ़ी है वो सब बेकार इसलिए हो गई कि उसको इवेल्युएट यहाँ पे करवाना ज़रूरी है। और हमारे बहुत सारे लोग जो शुरू शुरू आते हैं उनको तो बेचारों को, बहुत सारों को तो नॉलेज नहीं होती कि हमें ये करना है और करवाना है। और मज़े की बात ये है कि बेशतर लोग, क्योंकि हमारा कुछ निज़ाम ऐसा है कि हम अपने आने वालों को, नए आने वालों को अपने से आगे देखना चलता हुआ पसंद ही नहीं करते हम, ये हमारा अलमिया है हमारे कौम का। तो बजाय इसके कि उनको गाइड करें, मिस गाइड करते हैं और ऐसा करते हैं कि अरे अरे नहीं यार आप ये कर ही नहीं सकते हो, यहाँ बड़ी मुश्किल है, तो उससे डिप्रेस होते जाते हैं लोग और पीछे हटते जाते हैं, बजाय इसके कि उनको हेल्प करें कि आइए आपको ये करना होगा, आपकी जो एजुकेशन है उसको फौरन जाइए इवेल्युएट करवाइए, आपको उसके बदले में वो बता दिया जाएगा। जब इवेल्युएशन होती है तो वो आपको बता देते हैं कि आपके जो क्रेडिट्स हैं जितने भी हैं पढ़ाई के, उसमें क्या कमी है यहाँ के स्टैंडर्ड के मुताबिक, अगर वो कमी आप पूरी कर लीजिए। मैं टीचिंग की अगर बात करूँ, जैसे टीचर, एक टीचर वहाँ से क्वालिफाइड टीचर आती है लेकिन वो यहाँ के स्टैंडर्ड पे पूरे इसलिए नहीं उतरती कि वहाँ का पढ़ाई का सिस्टम और यहाँ के पढ़ाई के सिस्टम में फ़र्क है। मगर परवीन साहिबा, मगरबी माशरे में ख़ानदानी निज़ाम नहीं है, हम ख़ानदानी निज़ाम की बका की जंग लड़ रहे हैं मगरब के अंदर बैठे, क्या हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि हम ये ख़ानदानी निज़ाम की दलदल से बाहर निकल आएँ, अपने बच्चों को वैसे ही आज़ाद छोड़ दें जैसे कि मगरब में छोड़ा जाता है। क्योंकि हम या तो उनको ज़बरदस्ती को मज़हब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तरह का फ़िरका, मज़हब से इख्तलाफ नहीं है, मैं भी मुसलमान हूँ, मगर ख़ास तरह का शायद हम उन्हें फ़िरका पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा हमारे लिए, या हमने उनको खुला छोड़ रखा है। बहुत सारे हमारे बच्चे यहाँ पर जो गैंग्स में इन्वॉल्व हुए हैं, आप जानती हैं चित्रा, तो अब ये ख़ानदानी जंग की बका की जो जंग लड़ रहे हैं, इस जंग से निकल जाना चाहिए या इसको अगर लड़ना भी है तो कोई प्रॉपर तरीके से लड़ा जाना चाहिए? इसको जंग के बजाय इसको यूँ कहना चाहिए कि हम लोग खुद ज़ाहिर है वहाँ से जिस माहौल से आए हैं वो टोटली डिफरेंट था, यहाँ का माहौल डिफरेंट है, तो हमें ये इस बात को मानना पड़ेगा कि ये मुख्तलिफ माशरा है और उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम अपनाएं और जो उनकी बुरी चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, खुद भी रहें और अपने बच्चों को भी तरबियत इस तरह करें कि वो उससे बचे रहें। बात सारी वही ख़ानदान की फिर आ जाती है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे भी हैं, अब इटालियंस में बहुत अच्छा फैमिली सिस्टम है, इटालियंस में दर्जनों फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ फैमिली सिस्टम है, उनकी तो नानी दादी, दादी की दादी सब साथ में रहते हैं और बहुत मगन और मज़े से रहते हैं, तो तीन तीन पुश्तें एक साथ रह रही हैं। इसी तरह हमारे कुछ सिख कम्यूनिटी के कुछ लोग हैं, उनका भी यही है कि दादी भी है और नानी भी है और पोता पोती नवासा नवासी सब एक साथ रह रहे हैं। डिपेंड करता है, फैमिली टू फैमिली वेरी करती हैं ये चीज़ें। समझने की बात ये है कि हमारे पे जो यहाँ के गोरे भी इल्ज़ाम लगाते हैं साहिबा कि हम रहते यहाँ हैं मगर सोते वहाँ पे हैं, रहते यहाँ हैं ख्वाब वहाँ के देखते हैं, लिबास वहाँ का पहनते हैं, गुफ्तगू वहाँ की करते हैं, टीवी वहाँ का देखते हैं, खबरें वहाँ की सुनते हैं, सियासी गुफ्तगू वहाँ की करते हैं, हम वहाँ से डिस्कनेक्ट क्यों नहीं हो जाते? डिस्कनेक्ट तो इसलिए नहीं हो सकते कि वो हमारा खमीर वहाँ का है, हमारा खमीर वहाँ का है और डिस्कनेक्ट होना भी नहीं चाहिए। यहाँ रह कर डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम अब उस माशरे में नहीं रह रहे हैं तो इस माशरे की कुछ अपनी ज़रूरियात हैं, इस माशरे की कुछ अपने कोई ऐसी चीज़ें जो हमारे ऊपर भी लागू होती हैं, तो हमें इस माशरे का एक पॉजिटिव किरदार अदा करना है, हमें अपना किरदार इस माशरे के लिए अदा करना है, बजाय इसके कि हम बैठे यहाँ और सोचते वहाँ की रहें। हमें यहाँ के माशरे में अपने आप को ब्लेंड इन करना होगा, लेकिन ब्लेंड इन करने का मकसद ये नहीं है कि हम सब चीज़ें उनकी अपना लें, हमें ये करना होगा कि हमें देखना होगा कि क्या चीज़ इंसानी लेवल पर क्या चीज़ बेहतर है और क्या बुरी है, बुराइयों से बच के और जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपनाना होगा। मगर परवीन साहिबा, मैंने ये देखा है जी कि वहाँ से लोग आते हैं और जैसी मोहब्बत वहाँ से लेकर आते हैं उसकी उसको गुटलियों में बंद कर देते हैं और अपने ताक में सजा कर रख लेते हैं, अरसा दराज तक जब वापस जाते हैं तो वहाँ के सोसाइटी में तब्दीली आ चुकी होती है। वो रिश्तेदार जिनको वो मोहब्बत में छोड़ कर आए थे, अब वो नफरत की दीवारें बने हुए हैं, उन्होंने मकानों पर, घरों पर कब्जे किए हुए हैं।
फिर यहाँ पर एक वो एक नफसा नफसी का दौर चलना शुरू हो जाता है, नफसियाती उलझने होती हैं, वहाँ से वापस आते हैं, फिर परेशान होते हैं, वो यहाँ रहते हैं उनकी मोहब्बतों को संभाले, मगर वहाँ सोसाइटी एक अलग तरीके से मादियत परस्ती की तरफ रखी है। आजकल आजकल का यही अलमिया है कि मादियत परस्ती जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो यहाँ के माशरे को कहें या वहाँ के माशरे को कहें, लेकिन ये हकीकत है। और इसको रोकने के लिए हमें अपने आप को, हमें जो बच्चों, वही बात आती है कि बचपन से ये इस बात की ट्रेनिंग करनी चाहिए कि हमारी नेसेसिटीज़ क्या हैं, क्या ज़रूरियात हैं, और क्या हम, एक होता है नीड, व्हाट इज़ द नीड, कि हमारी नीड क्या है एंड व्हाट आई वांट। तो ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि मैं, मेरी ज़रूरत क्या है और मैं चाहती क्या हूँ। मैं, मेरी ज़रूरत जब मैं अपने एज अ मुस्लिम मैं सोचती हूँ तो मैं हर वक्त शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी हर ज़रूरत अल्लाह पूरी करता है, मेरी हर ज़रूरत अल्लाह पूरी करता है, और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या चाहती हूँ, और मुझे ये पता है कि मेरा अल्लाह जो है वो मेरे लिए बेहतरीन चाहता है, जो भी है वो, जो वो करेगा वो बेहतरीन है। लेकिन ये इस थिंकिंग को डेवलप करने के लिए बच्चे को, जब छोटा सा बच्चा हो, जब ही से उसको ये बात, उसको किसी तरह उसके दिमाग में अगर ये आप बिठा दें कि ये चीज़ जो है बेटा ये तो ज़रूरत की थी इसलिए ले ली है, यू रियली वांट दैट बट आई कैन नॉट अफोर्ड, या यू डोंट नीड इट। तो नीड और वांट में फ़र्क हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और वही चीज़ जो है फिर आगे ले जा सकती है। साहब एक और चीज़ भी है जी, एक और मसला जो सबसे ज़्यादा दरपेश है हमें मगरबी ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को, वो ये कि हम यहाँ पर अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आप हेलोवीन मत बनाइएगा, वैलेंटाइंस डे हमारा दिन नहीं है, यहाँ हम तरबियत दे रहे होते हैं। पाकिस्तान में हमारी मीडिया समेत हमारी हुकूमतें भी बनाती हैं ये डेज। जब हम पाकिस्तान अपने बच्चों को भेजते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ ने ऐसा किया कि अपने बच्चों को पाकिस्तान लेकर गए ताकि वो इस्लाम की तरबियत हासिल कर सकें, तो वहाँ जाके पता चला कि इस्लाम ये वाला नहीं था जो छोड़ के आए थे, वो वाला था। पाकिस्तान मगरब की तकलीद करने वाला माशरा बन चुका है, हम मगरब में रहने वाले आज तक मशरक का पुराने दौर की तकलीद कर रहे हैं, क्या हम गलत नहीं कर रहे? बिल्कुल, हमें होना ये चाहिए कि हेलोवीन मनाने में कोई हर्ज नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये वो कोई आपके ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगने वाला है, वो आप जिस माशरे में रह रहे हैं, अगर आप उसमें, उस माशरे का हिस्सा हैं, तो आपको एक एक्टिव हिस्सा बन के रहना होगा, और उसी में बेहतरी है। बात सारी वही फिर आ जाती है कि ये एक ऐसा माशरा है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, आप, आपकी अपनी मर्जी है, आप अपना ड्रेस पहन सकते हैं। आप जो हेलोवीन के, अगर वो आप सोचते हैं कि कोई ऐसे ड्रेसेस हैं कि वो नहीं पहनने चाहिए हमारे बच्चों को, तो ठीक है, आप अपने मर्जी का ड्रेस पहनाइए उसे, वही ड्रेस आप फुल स्लीव का पहना सकते हैं, फुल ढके वो टांगों का भी पहना सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप उसको, बच्चे को ये मना करें कि नहीं हेलोवीन हमें नहीं मनानी, तो यह गलत बात है। इसका मतलब ये कि वो बच्चा जो, वो कन्फ्यूज़ होगा कि यार मैं पढ़ता तो इस स्कूल में हूँ, मेरे सारे दोस्त ये करते हैं और मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मुझ में कोई कमी है। वो फिर इस बात का शिकार हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि पता नहीं मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ शायद हमारे पेरेंट्स को कुछ आता नहीं है, और फिर वहीं से ये बात शुरू होती है कि वो पेरेंट्स को शायद जाहिल समझना शुरू कर देते हैं। हमारे, हालांकि हमारे पेरेंट्स जो हैं, ज़ाहिर है हम लोग सब पढ़े लिखे लोग, वहाँ से पूरी क्रीम आई है, अगर देखा जाए तो मुल्क से सारी क्रीम निकल कर आ गई है इन मुल्कों में, और जो कि तकलीफ दे भी है,